Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing the solution of question paper of Indian Economic Survey General Economics 1 GE 1 2021. तो 2021 में जनरल इकोनॉमिक्स 1 का जो पेपर आया था उसको हम अभी आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्व करते हुए. तो हम 6 क्वेश्चन तक कर चुके हैं. क्वेश्चन 7th की बात करते हैं. अब 7th का ए पार्ट कह रहे, कंसिडर टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू. द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन बिलो, समेशन एक्स आई, समेशन वाई आई, समेशन एक्स आई वाई आई, समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई. आपको यहाँ पे याद दिला दूँ, स्मॉल एक्स आई क्या होता है? स्मॉल एक्स आई होता है वाई आई माइनस वाई बार, ओ सॉरी, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार. और समेशन स्मॉल वाई आई होता है वाई आई माइनस वाई बार. ठीक है, तो ये स्मॉल में जो दे रखे हैं डेविएशंस के समेशन दे रखे हैं आपको, एन दे रखे 20. यूजिंग दिस डेटा एस्टिमेट एल्फा एंड बीटा एंड द वेरिएंसेस ऑफ योर एस्टिमेट्स. देखिए, आपको वैसे हमने ओएलएस एस्टिमेशन पढ़ाया है क्लास में. ठीक है, मैं एक बार एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी टीम ने बताया कि ये वीडियो जो है यूट्यूब पे जाएगा, तो इसलिए अब कुछ बच्चे जिन्होंने अगर हमारे से सिलेबस नहीं पढ़ा है और उनको अगर नहीं सॉल्व करना आता, तो मैं एक बार उनको कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं. ऑब्वियसली मैं जो रिजल्ट्स लिखूंगा फाइनल रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पे, उनकी डेरिवेशन नहीं दूंगा, वरना तो फिर हम बहुत आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले जाएंगे. मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ हम कैसे निकालते हैं ओएलएस एस्टिमेशन. सपोज मेरे पास सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन है वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस ई आई, क्योंकि SRF है तो बीटा वन कैप बीटा टू कैप. एक बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, जैसे वो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन का नाम सुनते हैं वाई कैप लगा देते हैं. सर वाई कैप तब हो सकता है अगर एरर ना हो, तो वाई कैप आई होता है बीटा वन कैप प्लस बीटा टू कैप एक्स आई. अगर एरर नहीं है तो लगाते हैं वहाँ पे हम लोग वाई कैप. अगर हमने एरर लगा दिया मतलब हम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस एरर इज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, अब इसको हम लोग ओएलएस में क्या करते हैं, हम मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज समेशन ई आई स्क्वायर, और उससे वैल्यूज फाइंड करते हैं. सबसे पहले जब ओएलएस का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको निकालना है बीटा टू कैप. बीटा टू कैप होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. या फिर अगर डेविएशन में दे दिया उसने आपको, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं समेशन स्मॉल एक्स आई इंटू वाई आई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर. मैं आपको रिजल्ट देना विदाउट प्रूफ, क्योंकि वो तो फिर हम मैंने बताया आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले जाएंगे. ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोर्स हमारे साथ नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी है तो भूल गए हैं प्रोसेस क्या करना था. इसलिए आपको, क्योंकि सिलेबस IES का बहुत बड़ा है, इस बड़े सिलेबस में कई बार बच्चा भूल सकता है, इसलिए मैं आपको एक बार एक प्रोसेस वापस से दे रहा हूँ. सबसे पहले ये निकालते हैं. सेकंड स्टेप में निकालते हैं हम लोग बीटा वन कैप. बीटा वन कैप होता है वाई बार माइनस बीटा टू कैप एक्स बार. उसके बाद निकालते हैं हम लोग टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन इसको बोलते हैं TSS. TSS होता है समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं समेशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर. ठीक है, फिर निकालते हैं हम लोग एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं ESS, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स. ये होता है बीटा टू कैप का स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर. अब आप समझते हैं स्मॉल एक्स आई माइनस एक्स बार, इसे मैं दो दो बार नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, सॉरी नंबर 5 है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन. Unexplained variation, residuals sum of square RSS, ये होता है TSS minus ESS, summation EI square भी कह सकते हैं आप इसको. ठीक है, right? RSS निकाल दिया आपने. इसके बाद निकालते हैं हम लोग 6th step में sample error variance, sample error variance. इसको सिग्मा कैप स्क्वायर बोलते हैं. ये होता है आपका आर एस एस
डिवाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल जो रिग्रेशन मॉडल लिया है वहाँ पे दो पैरामीटर हैं, बीटा वन कैप और बीटा वन और बीटा टू, दो पैरामीटर लिए हमने वहाँ पर। तो डिग्री फ्रीडम होगा एन माइनस टू, एन माइनस के होता है बेसिकली, यहाँ पे के टू है तो एन माइनस टू। इसके बाद हम निकालते हैं वेरियंस ऑफ स्लोप टर्म बीटा टू कैप, वो होता है सैम्पल एरर वेरियंस डिवाइड बाय समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। इन सब फॉर्मूलेज का प्रूफ मैंने क्लास में आपको सिखाया हुआ है, बिना प्रूफ कोई फॉर्मूला नहीं दिया, सबकी डेरिवेशन करके दे रखी है आपको, ठीक है। अभी सिर्फ आपको एक रिकैप दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में अगर आ जाए तो। और वेरियंस ऑफ इंटरसेप्ट टर्म बीटा वन कैप क्या होता है, ये होता है सिग्मा कैप स्क्वायर इंटू समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन टाइम समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। स्मॉल एक्स आई फिर से याद दिलाऊं क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार। और क्वेश्चन अगर कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी पूछ लिया आपसे, आर स्क्वायर पूछ लिया उसने, अगर ऐसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन अगर पूछ ले कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, ये होता है क्या ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस, ऐसे कह लीजिए, या फिर वन माइनस आर एस एस बाई टी एस एस। ई एस एस टी एस एस ऊपर आप निकाल चुके हैं। तो ये क्या कंप्लीट सॉल्यूशन है ओ एल एस एस्टिमेशन के क्वेश्चन का। आपको सबसे पहले निकालना है, फिर से रिवाइज करा दूं, बीटा टू कैप, फिर बीटा वन कैप, फिर टोटल वेरिएशन, फिर एक्सप्लेन वेरिएशन, फिर अनएक्सप्लेन वेरिएशन, फिर सैम्पल एरर वेरियंस, फिर वेरियंस ऑफ बीटा टू कैप, वेरियंस ऑफ बीटा वन कैप, और फिर आर स्क्वायर। सबके फॉर्मुलेज आपके पास स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने दे दिए आपको एक एक करके, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको, अब मेरा जो क्वेश्चन है मैं उस पे लेके चलता हूँ। सेवंथ क्वेश्चन का ए पार्ट है, सेवंथ क्वेश्चन का ए पार्ट है जी। यहाँ पे मेरे से उसने बोला है, आपको मॉडल दिया है वाई आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एरर टर्म, और मेरा अगर एस आर एफ है तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा इसको। उसने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन दिया है मुझे, लेकिन क्योंकि मुझे ओ एल एस एस्टिमेशन करना है तो हम करते हैं वो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन एस आर एफ का। तो एस आर एफ की फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा पे कैप बीटा पे कैप। तो मैंने जो बीटा वन बीटा टू का नाम दिया था वहाँ पर, बीटा वन को उसने नाम दे दिया यहाँ पे अल्फा, बीटा टू को नाम दे रही है यहाँ पर बीटा। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी आपको ना, कि कई बार वो नाम बदल देगा, कुछ और नाम दे देगा, तो ऐसा ना हो कि आप रट्टू तोते की तरह जो रटा है बस उतना ही आता है, आगे पीछे कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं करना। तो दिमाग खोल के रखना थोड़ा सा, उसने नाम यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, तो अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप टर्म, बीटा कैप क्या होगा, समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। इनकी वैल्यूज मैं लेता हूँ यहाँ से, देखिए स्मॉल एक्स आई वाई आई है 3347.6 3347.60 डिवाइड बाय समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर दे रखे आपको 604.8 604.8। आपको नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, मैं तो फिर भी बड़ा सिंपल सा कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। 3347.6 डिवाइड बाय 604.8 और ये है 5.5350.5291 ऐसे बहुत बढ़िया आ जाएगी। तो आपको करना ये है, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या करें सर, कहाँ रुकें जाकर, डेसिमल के बाद फोर प्लेसेस तक लिख के फिर उसको राउंड ऑफ कीजिए। राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है कि अगर फिफ्थ प्लेस पे जो नंबर है वो फाइव या फाइव से बड़ा है तो फोर्थ प्लेस को एक डिजिट बढ़ा दीजिए, और अगर फिफ्थ प्लेस का नंबर फाइव से छोटा है तो उसको वैसे ही हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 5.5350, जीरो के बाद अगला जो नंबर है फिफ्थ प्लेस पे वो फाइव है। मैंने कहा फाइव या फाइव से बड़ा आ जाए तो राउंड अप, उसको राउंड अप करना है फिर आपको, तो फाइव जीरो की जगह फाइव वन हो जाएगा। तो 5.5351 ये मेरा क्या आ गया, बीटा कैप, ध्यान रहेगी बात आपको, ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमको चाहिए वाई बार एक्स बार अल्फा निकालने के लिए। वाई बार होता है क्या, वाई बार होता है समेशन वाई आई डिवाइड बाई एन। समेशन वाई आई गिवन है आपको 3121, एन गिवन है 20, तो पॉइंट लग गया 156.05 कैलकुलेटर पे कर लीजिए, चाहे मैंने डायरेक्टली कर दिया आपके लिए। एक्स बार होता है क्या,
समेशन एक्स आई बाय एन, समेशन एक्स आई क्या गिवन है हमको, समेशन एक्स आई गिवन है 228, एन है 20, 228 बाय 20, तो सिंपल है 11.4 आ गया एक्स बार। नाउ इंटरसेप्ट टर्म क्या होगी, ऊपर स्लोप टर्म थी, अब इंटरसेप्ट टर्म क्या होगी, इंटरसेप्ट टर्म अल्फा कैप, मैंने कहा था अडेप्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा, हम बीटा वन कैप पढ़ा था वहां पे, यहां पे उसने अल्फा बोल दिया तो अल्फा कैप इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार। ध्यान रखिएगा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, जो बच्चे फॉर्मूला रट के जाते हैं यहाँ पे बीटा टू कैप लिख डालेंगे जाके, वो सीधा वाई बार माइनस बीटा टू कैप एक्स बार। फिर से याद दिला रहा हूँ, याद रखिएगा क्वेश्चन ने किस फॉर्म में आपके सामने पैरामीटर्स रखे हैं, थोड़ा आपको फॉर्मूले को अडेप्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, गड़बड़ मत करके आ जाइएगा, ठीक है। तो वाई बार क्या है 156.05 माइनस बीटा कैप की वैल्यू आ रही है 5.5351 इंटू 11.4, तो आएगा जी 156.05 माइनस, एक बार मल्टीप्लाई कर लें जरा इसको, तो देखिए ये आ रहा है 5.5351 मल्टीप्लाइड बाय, ओह एक रह गया 5351 मल्टीप्लाइड बाय 11.4, ये दे रहा है आपको 63.1001 100, अब इसके वन के बाद अगला नंबर फाइव से छोटा है तो उसको वैसे ही हटा दो, ठीक है जी। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 156.05 माइनस 63.1001, ये आ रहा है आपके पास 92.9499। तो मैंने स्लोप टर्म निकाल लिया, इंटरसेप्ट टर्म निकाल लिया, इसके बाद चाहिए टोटल वेरिएशन टीएसएस। तो क्या है जी टीएसएस हमारे पास, यहां पे टीएसएस होता है समेशन स्मॉल वाई आई का स्क्वायर, और समेशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर क्वेश्चन में आपको गिवन है 19837, यह है 19837। फिर आप निकालते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, मैं लिख दूं यहां पे टोटल वेरिएशन, आप भी लिख दीजिएगा। फिर हम निकाल रहे हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इसको बोलते हैं क्या, ई एस एस, ई एस एस होता है बीटा टू कैप स्क्वायर इनटू समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। मैंने देखी, मैंने भी वही गलती कर दी ना जो आपको मैं कह रहा था कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ बीटा टू नहीं बीटा टू कैप नहीं बीटा टू लिखना है, क्योंकि बीटा लिखना है सॉरी, क्योंकि उसने पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। अब यही सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है फॉर्मूला, तो आपको फोर्स करेगा लिखने के लिए, ध्यान रखना है, मगर बड़ा स्वाभाविक है गलती करना, इसलिए बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो बीटा कैप निकला है क्या 5.5351 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ऊपर भी यूज किया था कहीं पे, 604.8, 604.8। अब आइए जी चलते हैं वापस अपने कैलकुलेटर पे, 5.5351 इसका कर दिया स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 604.8, यार आपके पास 18529.45839 है, तो 4584 कर लीजिए, क्योंकि जो फिफ्थ डिजिट है डेसिमल के बाद वो फाइव से बड़ी है, नाइन है, तो फोर्थ डिजिट को एक यूनिट बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इसको बोलते हैं हम लोग क्या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये होता है क्या टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, 19837 माइनस 18529.4584, 18529.4, अच्छा ये इसमें बहुत बड़ा है इसको, 19837 माइनस 18529.4584
4584 यार है 1307.5416, ये मेरा क्या आ गया आरएसएस। अब मुझे निकालना है क्या सैंपल एरर वेरिएंस, सैंपल एरर वेरिएंस सिग्मा कैप स्क्वायर, ये होगा क्या, ये होता है आरएसएस डिवाइड बाय एन माइनस टू, यानी 1307.5416 डिवाइड बाय 20 माइनस टू होता है 18, तो आइए जिसको डिवाइड करते हैं 18 से, रिजल्ट आ गया मेरे पास, को डिवाइड करना है किससे 18 से, तो अरे 72.6412 सैंपल एरर वेरिएंस आ गया। अब मुझे निकालना है वेरिएंस ऑफ स्लोप टर्म, वेरिएंस ऑफ स्लोप टर्म, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप, ध्यान रखिएगा बीटा टू कैप नहीं बीटा कैप, यही अडेप्टेशन की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ बार बार, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप क्या होगा, सैंपल एरर वेरिएंस डिवाइड बाय समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, तो सर आपका ये आ गया 72.6412 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, कितना आया था 604.80, तो यार है कितना डिवाइड बाय 604.80, ये आता है मेरे पास 0.1201, क्योंकि उसके बाद फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 से छोटी है, तो वैसे सब हटा देंगे उसको, फिर ये वेरिएंस ऑफ बीटा कैप आ गया मेरे पास। अब वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप क्या है, वेरिएंस ऑफ इंटरसेप्ट टर्म, वेरिएंस ऑफ इंटरसेप्ट टर्म, वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप, ये होता है क्या सिग्मा कैप स्क्वायर इनटू समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन टाइम समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा कैप स्क्वायर था आपके पास कितना 72.6412 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा कैपिटल एक्स आई स्क्वायर, हमने अब तक यूज नहीं करा है, ये रहा 3204 डिवाइड बाय एन है 20 और समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर 604.8 है, याद ही हो गया वो तो 604.80, ठीक है जी। तो अभी कैलकुलेटर सर आ जाइए बाहर वापस, 72.6412 इंटू 3204 यार है मेरे पास, सीधा एक ही बार आंसर लिखूंगा ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसको पहले 20 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 20 यार है 1167.12024 और जो आंसर आया उसको डिवाइड करना है किससे 604.8 से, तो यार है 19.24127 ने तो 13 कर देंगे, क्वेश्चन ने यही पूछा था हमसे, ठीक है। अब मैं इनके आपको स्टैंडर्ड एरर्स भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा लिखने का, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, हमको निकालना है स्क्वायर रूट किसका 0.1201 का निकालना है स्क्वायर रूट, यार आपके सामने 0.34655 है तो 66 कर देते हैं, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ अल्फा कैप कितना है सर 19.2413, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो आएगा 4.3849 कर लीजिए, ये सब निकाल दिया। अब मैं इसको एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, सो द रिग्रेशन मॉडल, y cap इज इक्वल टू, अब मैं एरर नहीं लिखूंगा सीधा मॉडल लिख रहा हूँ, y cap इज इक्वल टू, y cap है हमारे पास अल्फा कैप 92.9499 प्लस
5.5351 xi, y cap i इज इक्वल टू 9.2499 प्लस, ये मैंने अल्फा कैप की वैल्यू और बीटा कैप की वैल्यू लिख दी, और यहाँ लिख देंगे इनका स्टैंडर्ड एरर। अल्फा कैप का स्टैंडर्ड एरर आ रहा कितना 4.3865, और बीटा कैप का स्टैंडर्ड एरर आ रहा था 0.3466। एन है 20। क्वेश्चन आर स्क्वायर पूछा नहीं था, पूछा होता तो मैं आर स्क्वायर भी लिख देता यहाँ पे निकाल के, एन के बाद कॉमा लगा के आर स्क्वायर लिख डालते। ठीक है जी, समझ गए। तो अगर ओ एल एस एस्टिमेशन का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ डेटा डिफरेंट होगा यहाँ से आगे। अब देखिए, अब सिर्फ डेटा का ही कारस्तानी होगी, डेटा का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो अब मुझे लगता है कि इसके बेसिस पे आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले में कहा, मुझे टीम ने बताया वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो कोई बात समझ नहीं आई है आपको तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपनी बात पूछ लीजिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।